ये है पालनार, एक ट्राइबल विलेज जहां के लोगों ने सिर्फ कुछ ही महीनों में नॉन डिजिटल से डिजिटल होने का शानदार सफर तय किया है। आंटी, आपको वाईफाई पासवर्ड मालूम है? नो? ओके। वाईफाई पासवर्ड नहीं पता? वाईफाई पासवर्ड नहीं, आगे पीछे? आगे। वाईफाई पासवर्ड सर, लॉगिन करना पड़ेगा आपको। यू थॉट आई हैव गॉन क्रेजी ना? नॉट जस्ट येट। रायपुर से 361 किलोमीटर की दूरी पर है पालनार गांव। कोवाकोंडा ब्लॉक के इस गांव में है लगभग 432 घर और यहां की कुल आबादी 2000 की है। 2000 लोगों की आबादी वाले इस गांव की अनोखी खासियत ये है कि ये छत्तीसगढ़ का पहला टोटली डिजिटल गांव है। नोटबंदी के एक ही महीने के अंदर पालनार पूरी तरीके से कैशलेस बन गया था। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, जनवरी 2017 से अप्रैल 2017 तक गांव ने 5.5 लाख रुपए के डिजिटल ट्रांजैक्शंस किए। 60% ट्रांजैक्शन डिजिटल मीडियम से हुए, जिसने मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज तक को पीछे छोड़ दिया, जिनका परसेंटेज रहा 40-45%। हाउज दैट फॉर प्रोग्रेस? भैया, ये 2 पैकेट बिस्किट दे दीजिए और आधा किलो मूंग दाल। सो ये कैशलेस विलेज भी है एंड एवरीबडी पेज ऑनलाइन। स्टॉप लुकिंग एट माय पिन। मुझे यकीन है कि आपको इस बात पर अब तक पूरा यकीन नहीं हुआ होगा, लेकिन यकीन तो करना ही पड़ेगा। पालनार की सक्सेस स्टोरी इज अ ट्रू इंस्पिरेशन। आज यहाँ के हर दुकान में डिजिटल पेमेंट्स करने के लिए ई वॉलेट्स और एप्स हैं, और यहाँ के सारे लोग इन्हीं का यूज करते हैं। बट ये हुआ कैसे? Well, the answer is some determination and inspiration. एक कंपनी ने अपने फाइबर ऑप्टिक केबल को अपने प्राइवेट यूज के लिए सेटअप किया। Fortunately, वो केबल गुजर रहा था इस गांव से होते हुए। So the district collector decided to make this village a model village and requested the line to be extended to the village of Palnar. फिर बनाई गई पालनार की डिजिटल आर्मी। वॉलंटियर्स की एक टीम को डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्रैश कोर्स दिया गया। And in the blink of an eye, पालनार ने वो सब कर दिखाया जो इंडिया की कई मेगा सिटीज आज तक नहीं कर पाई। द लोकल पंचायत प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द विलेजर्स मेक अ सीमिंगली डिफिकल्ट ट्रांजिशन। जो लोग हैं, जो पहले डरते रहे कि पैसा नहीं, अब हम क्या करेंगे, तो आज एटीएम, पेटीएम के माध्यम से अपना सामान खरीद लेते हैं। हमारे यहाँ कैशलेस की सुविधा है, तो अब नेटवर्क का दिक्कत ही नहीं है। कभी कभी तो हमें लगता है कि हम लोग सिटी से भी ज्यादा फास्ट हैं। नंदलाल जी और उनकी पंचायत ने गांव में वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने के लिए बीएसएनएल को अप्रोच किया। इस वाईफाई हॉटस्पॉट ने तो पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। जल्द ही पालनार में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए नजर आने लगे। अगर आपको लग रहा है कि इंटरनेट से यहाँ सिर्फ लोग बैंकिंग करते हैं, देन माई फ्रेंड यू आर सैडली मिस्टेकन। Let's meet Mr. Ramdeo. He is one of several budding entrepreneurs who have used the internet to help find their feet. हमारा आप तो एक नंबर के बेवकूफ हैं जो इंटरनेट जैसी चीज को सोशल मीडिया के लिए यूज करते हैं। There are people over here who have invented stuff with the help of the internet. I will. Where did he go? He's there. तो इन्होंने ये चीजें इन्वेंट की हैं जिसकी मदद से आप ये पोल्स क्लाइम कर सकते हैं एंड यू कैन यू नो फिक्स स्टफ इफ इट्स स्पॉइल्ड। आ जाइए, अब नीचे आ जाइए। तो मैं ट्राई करूं एक बार ये आपको पहनना है? चलो, गिर जाऊंगा तो पकड़ लेना मुझे, ठीक है? ओके, आई डोंट नो इफ आई एम गोना बी एबल टू डू दिस, बट बराबर। एज यू कैन सी, इट्स क्वाइट सिंपल। गाइज, थोड़ी इंस्पिरेशन लीजिए रामदेव जी से। फेसबुक और इंस्टाग्राम करना बंद कीजिए एंड इन्वेंट समथिंग यार। पालनार की छोटी दुकानें अब माइक्रो एटीएम्स बन गई हैं, जहां आधार बेस्ड विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स होते हैं। बट गोइंग डिजिटल वॉज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग कैशलेस। थोड़ा फिल्मी होके बोलूं तो बेसिकली एक छोटा सा मोबाइल फोन यहाँ के लोगों को और भी करीब ले आया है। कई सारे परिवार के सदस्य दूर दूर जाके काम कर रहे हैं, कोई मजदूरी भी करने गए हैं और कोई सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, तो पहले सालों तक अपने बच्चों को देख नहीं पाते रहे।
कैशलेस होने के बाद हमारे गांव में एक बदलाव आया कि कैशलेस में सिर्फ डिजिटल से सिर्फ उनको पैसे के ट्रांजेक्शन का ही लाभ नहीं पहुंचा, वो अपनों से जुड़ गए, वो जब चाहे तब अपने बच्चे से बात कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर आल्सो एट अ क्लिक ऑफ अ बटन अवे। पालनार हैज ट्रूली एम्ब्रेस्ड द डिजिटल रेवोल्यूशन टू एनहांस देयर लाइव्स इन द मोस्ट पॉजिटिव वे। नाउ आई वुडंट बी इन सो मच ऑफ दिस प्लेस इफ इट वाज अ सिटी, बट लेट्स नॉट फॉरगेट दिस इज अ विलेज। नाउ आई थिंक द ओएमजी फैक्टर ऑफ दिस प्लेस वुड बी quite high.